सो वेल गाइज, अपने इस चैनल पे मैं तकरीबन 15 माइक्रोफोन्स को रिव्यू कर चुका हूँ और आप लोगों ने हमेशा सारी वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों की भी कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स जैसे कि माइक्रोफोन कंडेंसर होना चाहिए, उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल होना चाहिए, काफ़ी से मेरा मतलब काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल होना चाहिए। नंबर टू, उसमें एक वॉल्यूम नॉब होनी चाहिए ताकि आप अपने गेन लेवल्स को सेट कर सके, एडजस्ट कर सके, कंट्रोल कर सके। साथ ही साथ वो एक ऐसा यूएसबी कंडेंसर माइक्रोफोन होना चाहिए जो कि आपके लैपटॉप और पीसी के अलावा आपके मोबाइल फोन्स पे भी काम करता हो। सो वेल गाइज, हेयर इज़ द सॉल्यूशन फ्रॉम माओनो। इन्होंने अपना नया यूएसबी कंडेंसर माइक्रोफोन जो कि पोर्टेबल है PM461 हाल फिलहाल में ही रिलीज़ किया है और आज ये मेरे पास डिलीवर होकर आया है। एंड आज हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग, रिव्यू, ऑडियो टेस्ट और देखने वाले हैं कि ये माइक्रोफोन आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। इट्स अ बॉय सुल्तान, यू आर वॉचिंग नो हिप हॉप, सो लेट्स स्टार्ट रोलिंग विद दिस वन। सो वेल गाइज, PM461 मेरे सामने है और आप इस टाइम जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो सारी की सारी सुन रहे हैं थ्रू दिस माइक्रोफोन ओनली। ये कनेक्टेड है मेरे iPhone 11 के साथ जिसके साथ मैं शूट कर रहा हूँ, सो दैट आपको ये आइडिया हो जाए कि यस, दिस माइक्रोफोन ऑल्सो वर्क्स ऑन iPhone एंड अदर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है प्राइस। काफ़ी सारे भाई मेरे को बार बार बोल रहे थे कि हमारा बजट उतना नहीं है कि हम एक स्टार्टिंग में कुछ अच्छा माइक्रोफोन पर इन्वेस्ट कर सके, हमें कुछ ऐसा माइक्रोफोन बताएं जो कि 2000 से कम की रेंज का आता है। तो गाइज, हेयर इज़ द सॉल्यूशन। PM461 का जो लिस्टेड प्राइस है वो तकरीबन 3200 रुपये के आसपास है, बट मैंने इसे अमेज़न से बाय किया है फॉर समवेयर क्लोज टू 1800-1900 रुपीज़, जो कि इसको काफ़ी अच्छा डील बनाता है। गाइस, अब बात कर लेते हैं माइक्रोफोन के फीचर्स के बारे में, इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो मैं आपको दिखाता हूँ माइक्रोफोन। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा स्टडी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका वेट काफ़ी ज़्यादा लाइट है, जिसका मतलब यह है कि आप इसे इजीली कहीं भी, कॉम्पैक्ट साइज़ में है, लाइट वेट है, तो आप इसे कहीं भी इजीली ट्रेवल करते हुए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आती है ये फॉर्म कैप, जो कि आपको एज ए फिल्टर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है आपके वॉइस को फिल्टर करने के लिए। और दिस इज़ द लुक, आप इसकी बॉडी देख सकते हैं। इसकी जो बॉडी है वो मैट फिनिशिंग में है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव लगता है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है और कहीं ना कहीं प्रीमियम क्वालिटी का आपको एहसास दिलाता है। साथ ही साथ यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने की है, जो कि एक नया फीचर माउनो लेकर है अपने माइक्रोफोन में, वो है इसकी वॉल्यूम नॉब। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस टाइम मैं माइक्रोफोन की पिछली साइड से बोल रहा हूँ, बट सामने आपको वॉल्यूम नॉब यहाँ पर दिख रही होगी। इसके थ्रू आप इजीली अपनी माइक की वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, इस टाइम मैंने अपनी वॉल्यूम नॉब को कर रखा है अराउंड 50% एंड राइट नाउ दिस इज़ समवेयर क्लोज टू 80% और वॉल्यूम आपके सामने है गाइस। इसके अलावा सो वेल गाइज, अब बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। मेरे ख्याल से दिस इज़ मेटलिक, बहुत ही हल्का मेटल है बट मेटलिक बॉडी है इसकी। इसकी जो मैश ग्रिल है, जो कि आप देख सकते हैं, वो भी काफ़ी शानदार लगती है देखने में। और साथ ही साथ कैटरेट पैटर्न पे ये काम करता है गाइज। कैटरेट पैटर्न क्या है, ये सिर्फ आपके सामने की जो आवाज़ है ये उसको एब्जॉर्ब करता है और जो बैकग्राउंड से जो नॉइज़ आती है ये उसे कैंसिल करता है। इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, इसका यह बेनिफिट आपको मिल जाता है। साथ ही साथ हर एक माइक्रोफोन की अपनी खुद की एक इनबिल्ट नॉइज़ होती है, जो कि इस माइक्रोफोन में आपको देखने को काफ़ी कम मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि ये आपको क्रिस्टल क्लियर वोकल्स या फिर जो आप इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका जो आउटपुट होगा वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा। साथ ही साथ ये आपको जो रिकॉर्डिंग देता है वो हाई डेफिनेशन क्वालिटी में देता है, विच इज़ 24 बिट, और 24 बिट का मतलब ये है कि आप इसके साथ जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका जो आउटपुट आएगा वो हाई डेफिनेशन में होगा, बहुत बेहतरीन क्वालिटी में होगा, और आप उसे प्रोफेशनल लेवल पर जाके मिक्स मास्टर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अब माइक्रोफोन के बारे में बात करते हुए, आप देख सकते हैं कि इसका एक छोटा सा स्टैंड इसके साथ मिलता है, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बना लेता है। अगर आपको कुछ फटाफट रिकॉर्ड करना है, आपको अपनी YouTube की वीडियो शूट करनी है, किसी तरह की गेमिंग चैनल पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको कुछ वीडियो शूट करनी है, कुछ पॉडकास्ट रिलेटेड आपको शूट करना है, तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस बॉक्स में, इस माइक्रोफोन के साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले आपको मिलता है ये स्टैंड, ये माइक्रोफोन, इसके साथ आपको मिलती है ये केबल जिसके साथ आप
आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो इस माइक्रोफोन को विथ योर लैपटॉप पीसीस एंड मोबाइल। ऑफ कोर्स अगर आप एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, मोबाइल पे यूज़ करना चाहते हैं, तो साथ ही साथ आपको ये 200-250 रुपए का एक OTG भी लेना होता है, जिसके थ्रू आप इजीली USB से अपने मोबाइल के साथ इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके बॉक्स की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ फीचर्स दे रखे हैं इसके। कार्ड्रेड पैटर्न, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। माइक गेन एडजस्टेबल लेवल, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। विंडोज़, मैक, ये सारे ही डिवाइसेस पे इजीली काम कर लेता है। सो यस गाइस, जो इसका डायफ्राम है वो 14mm का कैप्सूल है, जिसके अंदर एक प्रोफेशनल चिप लगी है, जिसके थ्रू आपकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और प्रोफेशनल क्वालिटी की होती है। सो दिस इज द 14mm डायफ्राम फॉर यू। सो वेल गाइस, हमने बात कर ली है प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में, बट आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि अगर हम इसको एक प्रॉपर माइक्रोफोन स्टैंड के साथ कनेक्ट करते हैं विद प्रॉपर पॉप फिल्टर, तो इसका आउटपुट कैसे होने वाला है। तो फटाफट इसे मैं शिफ्ट करता हूँ अपने माइक्रोफोन स्टैंड पे। सो हेयर इट इज़ गाइस, मैंने माइक्रोफोन को कनेक्ट कर दिया है विथ माई माइक्रोफोन स्टैंड, और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने प्रॉपरली इसको एक बेहतरीन पॉप फिल्टर के साथ भी कनेक्ट कर लिया है। एंड नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। अगर मैं इसकी थोड़ी वॉल्यूम को और कम करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि जो ओवरऑल क्वालिटी है वोकल्स की वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है। सो वेल गाइस, मैं आपको इसके सारे ही फीचर्स बता चुका हूँ, और आई पर्सनली थिंक कि इस सेगमेंट में दिस इज़ गोइंग टू द बेस्ट डील फॉर यू। अगर आपका बजट है समवेयर क्लोज टू 1800-1900 रुपीज़, अमेजन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अमेजन पर जाए, इसके रिव्यूज़ चेक करिए और देखिए कि बाकी आर्टिस्ट इसके बारे में अपने किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। अगर आप कन्विंस होते हैं विद दिस माइक्रोफोन तो फटाफट जाके आप इसे बाय आउट कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके पास कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन related to this microphone, you can always ask me in the comment section, और इस बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जो भी आपकी क्वेरीज है उनको मैं जवाब दूंगा वहां पर। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे एपिसोड। इट्स योर बॉय सुल्तान साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नो हिप हॉप। टिल देन, लॉट्स ऑफ लव एंड पीस।